इयररिंग्स में पहनूं या नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या यार अगर आप इयररिंग्स पहन लेते हो सो कंप्लीट हो जाएगा आपका। आ आ आ मम्मी क्या हो गया? ओके सो अगर आप इतनी एक्साइटेड हूं ना मैं न्यू ईयर के लिए, मतलब वीडियो नहीं बनना मुझसे वीडियो नहीं बनना, मतलब सॉरी मैं मेकअप नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कितनी एक्साइटेड हूँ मैं, कितनी। Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Hey guys, this is Sana and welcome back to my channel. It's me Nance. If you're new here, so I make a video on beauty, fashion, lifestyle, skin care, and a lot more. So guys, if you're interested, don't forget to subscribe to my channel. So आप बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर ले। सो गाइस ये लोग आप देख ही रहे होगे जो कि क्रिएट किया है मैंने न्यू ईयर पार्टी के लिए, देख ही रहे होगे। मतलब यार इसीलिए तो आप लोग यहाँ आए हो, मतलब मैं भी कभी भी क्या क्वेश्चन कर देती हूँ, देख ही रहे होगे। ये जो लुक है वो मैंने क्रिएट किया है न्यू ईयर पार्टी के लिए। सो आप अगर इस लुक में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पहनूं या नहीं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या यार अगर आप इयररिंग्स पहन लेते हो सो कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो अगर आप इयररिंग्स भी पहन लेते हैं जो कि मैंने अभी जस्ट पहने, जैसे और ज़्यादा वाइब्स आ रही है मुझे न्यू ईयर पार्टी की। सो या मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल न्यू ईयर पार्टी के लिए। सो बेस मेकअप मैंने अपना कर लिया है जिसमें मैंने 3 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। फर्स्ट जो है वो आपको पता ही है कि मैं बायोटिका टोनर यूज़ करती हूँ। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है CCAL का प्राइमर। एंड थर्ड जो है वो है एक मॉइस्चराइजर। ये लगाना भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा। सो मैंने इन तीनों को लगा लिया है एंड इससे कर लिया अपना बेस मेकअप। अब बारी है मेकअप की, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए भैया कहाँ है मेरा फाउंडेशन? ओके सो फाउंडेशन के लिए मेरा सबसे फेवरेट वाला जो फाउंडेशन वही है मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन, जिसमें मेरा जो शेड है वो है 310 सन बीच। या ये मेरा शेड है, सो मैं इसको लगा लेती हूँ। यानी फाउंडेशन हमेशा ही मैं ऐसे ही लेती हूँ एंड उसके बाद लगाती हूँ। उस पहले मैं फिंगर से अप्लाई कर लेती हूँ पूरे फेस पर एंड उसके बाद देखेंगे कि ब्लेंडर यूज़ करना है या फिर मेकअप ब्रश। सो पहले तो पूरे में से डॉट डॉट कर लो। ऑलवेज याद रखना जब भी आप फाउंडेशन का यूज़ करें कि पहले ही बार में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगा लेना है। मीन्स पहले एक थिन लेयर एंड उसके बाद आप अप्लाई करें, बट एक बार में अगर लगा लेंगे ना सो बहुत गंदा वाला लुक जो दिखता है ना वो दिखेगा। सो ब्यूटी ब्लेंडर का ही मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई करने के लिए। सो एक लेयर जो है मैंने लगा ली है बट बहुत ज़्यादा थिन थी, मीन्स मैंने प्रोडक्ट थोड़ा कम कम लिया था। इसके लिए मैं अब मुझे जहाँ जहाँ कवरेज नहीं दिख रहा है मैं वहाँ पर भी अप्लाई करूँगी फाउंडेशन दोबारा से। सो फाउंडेशन आप जब भी यूज़ करें ना सो मेक श्योर कि यार नेक पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर नेक एंड फेस दोनों का कलर जो है वो अलग अलग दिखने लगता है। सो मैं नेक पर भी अप्लाई कर लेती हूँ इसको, जिससे कि शेड जो है वो पूरा एक ही रहे। तो मैंने लगा लिया अभी फाउंडेशन, इसको सेट होने देते हैं, तब तक हम कर लेते हैं आई मेकअप। आई शेडो पैलेट में जो कलर है एंड वही एग्जैक्ट आपको अपनी आईज पर चाहिए, सो उसके लिए हमें लगाना होगा एक कंसीलर, क्योंकि कंसीलर जो है एक लाइट कलर का कंसीलर आप लगाइए एंड उसके बाद वही कलर अप्लाई करना है। सो वो बिल्कुल फिक्स आएगा, क्योंकि थोड़ा सा आई एरिया जो होता है वो डार्क होता है, सो कलर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिखता है। सो एक लाइट कलर का कंसीलर लगा लेते हैं एंड मैं जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो है मेबलिन न्यूयॉर्क अगेन एंड इसमें जो ये मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ 20 सेंट। सो लगाती हूँ मैं इसको। हम चाहें तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं बट मैं फिंगर से करूंगी, क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। या तो ये भी हो गया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और की ज़रूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इस वाली आई पर लग रहा है कि मुझे थोड़े और प्रोडक्ट की नीड है। ओके कंसीलर को कभी भी आप ऐसे हार्शली ब्लेंड मत करना, हमेशा डैप 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 करना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ फिक्स हो जाता है।
जिस भी एरिया पर हम अप्लाई करते हैं अगर हम इसे ड्रब करेंगे ना, सो क्रीज दिखने लगती हैं। सो ये वाली मिस्टेक आप कभी मत करना कि कंसीलर को आप बहुत ज़्यादा हार्शली इस तरीके से एंड इस तरीके से रब करें। डैब डैब करना है जिससे कि वो वहीं पर फिक्स हो जाए। तो कंसीलर जो है वो लगा लिया मैंने, इसके बाद हम करेंगे ब्राउज को फिल। ओके, सो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का ये आईब्रो पेंसिल। वैसे मुझे ज़्यादा इसकी नीड नहीं होती है, बट एक फ्लॉलेस लुक देने के लिए मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ एंड डिफरेंस अभी आप देख ही लोगे। इसके कैप में एक ब्रश भी दिया हुआ है जो कि एंड इसका यूज़ करके ना पूरा, मतलब जितना भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सो डिफरेंस देख सकते हो आप, ये कितनी ज़्यादा क्लियर लग रही है ना, एंड ये थोड़ी सी मैसी सी लग रही है, थोड़ा सा मतलब बोल्डनेस पीस में कम है। सो या ये डिफरेंस है एक आईब्रो पेंसिल का। सो अब मैं इसको भी कर लेती हूँ जल्दी से एंड उसके बाद लगाएंगे हम आई शेडो। अगेन ब्रश की हेल्प से इसको शार्प कर लेते हैं एंड या बारी है आई शेडो की एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ये वाला आई शेडो पैलेट, जिसका प्रीवियस वीडियो में आई थिंक मैंने रिव्यू किया है। सो आप देख सकते हैं इस पैलेट की सारी डिटेल, बट अभी मुझे इसको यूज़ करने के लिए ब्रश नहीं मिल रहा। भाई ब्रश कहाँ है। सबसे पहले मुझे लगाना एक लाइट शेड जो कि ये ब्राउन होने वाला है। अगर आपको आई शेडो लगाने में प्रॉब्लम है तो आप साइड में टेप का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका आई शेडो इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं फैलेगा। ओके, सो ब्राउन कलर जो है वो मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद बारी है एक पॉपी से रेड कलर की जो कि ये है एंड इसमें लेना है हमें कलर और उसके बाद इसको हमें इस तरीके से करना है क्योंकि एग्जैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा। सो एक बार हमें इसे डस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसके बाद ये जो कलर है वो डैब डैब करना। ओके, सो जो रेड कलर है वो तो मैंने प्रॉपर लगा लिया है। इसके बाद मुझे बनानी है कट क्रीज, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना कंसीलर एंड कट क्रीज बनाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, ओनली यहाँ पर लगाती हूँ अपने कंसीलर एंड उसके बाद हमें ऊपर देखना है, ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगाना है इसमें ग्लिटर, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी है तो भैया ग्लिटर का यूज़ तो हम करेंगे ही। आप चाहें तो इसे अपनी फिंगर टिप से भी कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ना दिखे। मतलब जब आप इसको लगाओगे ना, मतलब वाओ यार, ये जो इफेक्ट आता है ना थोड़ा लाइट एंड थोड़ा डार्क का, बहुत प्यारा लगता है। एंड इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ एक ग्लिटर। ग्लिटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एक ब्राउन कलर का ग्लिटर एंड इसको मैं, क्योंकि भाई पार्टी मेकअप है सो थोड़ा ग्लिटर तो बनता है आईज पर, विदाउट ग्लिटर भाई कैसे हमारी पार्टी कंप्लीट हो सकती है। सो या इसमें कंप्लीट है। सो ग्लिटर भी हमने अप्लाई कर लिया है, इसके बाद हमें अप्लाई करना है मस्कारा लाइनर। सो लाइनर के लिए मैं सबसे पहले मैं लाइनर लगाऊंगी। सो आपको बता देती हूँ कि लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, भैया कहाँ है मेरी चीज़ें, इतना मैंने फैला रखा है ना कि मुझे खुद ही नई चीज़ें मिल रही हैं। ओके, सो लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लॉसिल बोल्ड लाइनर। या सो मैं लाइनर लगा लेती हूँ।
ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप लाइनर कैसा लगाना चाहते हो, है ना, क्योंकि सबकी आई टाइप के अकॉर्डिंग लाइनर अलग अलग लगता है. सो मेरी आईज पर जैसा लाइनर अच्छा लगता है मैं वैसा क्रिएट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं. लाइनर के लिए मुझे भाई बहुत ज़्यादा पास वाले मिरर की नीड है, सो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ. सो इस वाली आई में मैंने लाइनर लगा लिया है, इस वाली में भी जल्दी से लगाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. सो दोनों आईज पर मैंने आईलाइनर लगा लिया है. अभी बारी है आईलैशेस की. अगर आप आईलैशेस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट आज के मेकअप के लिए मैं आईलैशेस लगाना नहीं चाहती हूँ. मेरा जो मस्कारा है वही आईलैशेस का काम कर देता है, मतलब वाओ बहुत अच्छा इफेक्ट दे देता है ये. नहीं सो ये जो मस्कारा है वो है क्लॉसल की ओर से, वाटरप्रूफ है, मेबलिन न्यूयॉर्क. हाँ वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, शर्माने की बात नहीं, अपनी फैमिली है. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी प्रोडक्ट के लिंक दिए हुए हैं, क्लिक करो, परचेज करो. अभी लगा लेती हूँ मैं इसको एंड उसके बाद आप सच में आपको मतलब लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसको अप्लाई करने के बाद इस आई को आप देखना एंड इसके बाद इसको देखना. ओके सो मैं अभी इसको अप्लाई करती हूँ. मीन्स आप डिफरेंस देख पा रहे होगे कि इस ये जो आई है, मतलब आई लैशेज लगाने की यार नीड ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा वाला जो है वो ये वॉल्यूम दे देता है. लैशेज लगाने की नीड नहीं, इसलिए मैं लैशेज लगा भी नहीं रही हूँ, इससे ही काम चलाने वाली हूँ. एंड इस वाली आई मैं भी जल्दी से लगा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद हमें अपना और भी मेकअप करना है. ये जो मस्कारा है वो एक ही कोड में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देता है, बट उसके बाद भी अगर आपको और ज़्यादा वॉल्यूम की नीड है सो फर्स्ट कोड को ड्राई हो जाने के बाद आप सेकंड कोड अप्लाई कर सकते हैं. सो मस्कारा भी मैंने लगा लिया. उसके बाद है जो हमारी वाटर लाइन होती है उस पर आई शेडो अप्लाई करने की. सो उस पर बेसिकली मैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई कर रही हूँ कुछ भी, ओनली जो सिंगल कलर है हमारा रेड, जो हमारा बेसिक कलर था जिसको हम रखने वाले थे उसका ही मैं यूज़ करने वाली हूँ. एक कलर ही यूज़ करूँगी मैं इसके लिए. सो ये मैंने कलर ले लिया है एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस एंड इस वाली साइड पर भी ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ओनली इसको एक स्ट्रोक लेना है फिनिश एंड इसके बाद फिनिश. सो अब बारी है काजल की, क्योंकि बिना काजल ना मेरी आँख भैया अच्छी नहीं लगती है, चाइनीज वाली लगती है. आई डोंट नो अभी लग रही है या नहीं, बट मुझे काजल की हैबिट है सो मैं काजल भी यूज़ करूँगी आज के मेकअप में, जो कि है फेशियस कैनेडा का काजल, जो कि मेरा फेवरेट काजल है. फेवरेट तो नहीं बट मुझे काफ़ी पसंद है. सो लगा लेते हैं हम इसको भी. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मीन्स हम अगर इसके लिए इतना पे कर रहे हैं सो ये एज इट इज़ मतलब बहुत जल्दी अप्लाई होता है. बहुत से काजल जो होते हैं उन्हें घिसना पड़ता है, सो इसके साथ ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी वे में अप्लाई हो जाता है. रेड रेड मेकअप से एंड मैंने जो ये शर्ट पहन रखा है उससे यार मुझे न्यू ईयर वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है मैं वैलेंटाइन डे मेकअप क्रिएट कर रही हूँ. रियली ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर काजल कितना ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या पतला. सो मैंने अपने अकॉर्डिंग काजल लगाया हुआ है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, मतलब बहुत थोड़ा सा बोल्ड लाइट सॉरी थोड़ा सा बोल्ड काजल मुझे पसंद है सो मैंने बोल्ड अप्लाई किया हुआ है. सो आई मेकअप जो है मेरा कंप्लीट हो गया एंड सीरियसली यार मतलब इतना प्यारा लग रहा है ये वाला, मतलब ये वाली साइड का आई मेकअप ना ऑसम, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है मुझे. सारी हमारे और मेकअप की मतलब हमारा फेस मेकअप जो रह गया था सो मैंने फाउंडेशन लगा लिया था एंड उसके बाद मुझे लगाना है अभी लगाना है मुझे कॉम्पैक्ट एंड कॉम्पैक्ट के लिए भी मैं मेवलिन फिटमी का ही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. इसमें मेरा शेड है 120 क्लासिक इवोरी पाउडर्ड. ओके सो मैं इसको लगा लेती हूँ. हम डांस करें न्यू ईयर पार्टी में सो हमारा जो मेकअप है वो ज़रा भी ख़राब ना हो. सो एक कॉम्पैक्ट तो बनता है और जिनके ऑयली स्किन है उनके लिए तो कॉम्पैक्ट भाई ज़रूरी ही है. सो कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है मैंने. कंटूर पैलेट है मेरी वो है ब्रोन्स्ड प्रोफेशनल्स की, ये कुछ इस टाइप से दिखती है.
इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। एंड जो ये मेरा थोड़ा जो फेस मोटू मोटू लगता है ना, उसको ये बिल्कुल सही कर देता है। सो ये जो है ब्रोंज है, एंड इसको मैं थोड़ा सा ही लगाती हूँ क्योंकि वैसे भी मतलब ठीक ही है इतना। आप चाहे तो इसको ना ऐसा अंदर को ये करके लगा सकते हो ऐसे। अगर आपको आपके फेस का शेप समझ में नहीं आता है, मुझे आता है, सो ये शेप करने की मुझे कोई नीड नहीं होती है। सो कंटूर कर लिया है मैंने अपने फेस को, एंड इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की। बट हाइलाइटर से पहले मैं लगाऊंगी ब्लश। सो ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ 5 कलर ब्लश पैलेट, जो कि है ब्लशर पैलेट 5 कलर वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग। या लॉन्ग लास्टिंग तो है ये, बहुत जल्दी फॉल आउट नहीं होता है। सो इस टाइप की ये पैलेट है, इसमें हमें 5 कलर मिलते हैं जो कि एक बिगिनर के लिए सफिशियंट हैं। बट मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि अलग अलग कलर्स मुझसे नहीं संभाले जाते। एक पैलेट लो, ट्रेवल फ्रेंडली हो, हम उसे ईजिली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो मैंने इसे लिया। एंड इसमें अभी जो मैं लगाने वाली हूँ, वैसे तो मेरी ड्रेस से मैचिंग इसमें कोई कलर नहीं है, बट ये न्यू ईयर मेकअप है, थोड़ा सा पॉपी है। सो इसके लिए मैं लगाने वाली हूँ ये शेड। एंड सबसे पहले मैं ब्रश ले लूँ। सो ये शेड, इस बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, सो एक बार डस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद हम लगा सकते हैं। तो ये कलर लगा रही हूँ क्योंकि ये कलर जो है वो मेरे आई शेडो से मैच हो रहा है। ओके, सो ब्लश हमने लगा लिया है। एंड इसके बाद बारी है हाइलाइटर की, जो सबसे फेवरेट वाला जो पार्ट होता है ना। बट उससे पहले मैं पता है क्या करने वाली हूँ, उससे पहले मैं अपने नोज को कंटूर करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे लिए तो भैया बहुत ज़रूरी हो जाता है। या एक स्लिम नोज मुझे पसंद है, इससे मैं अपने नोज को कंटूर करती। के बाद इस टाइप के फ्लैटर ब्रश से ना इस तरीके से कर लेना चाहिए, जैसे कि जो कंटूर है जो हमने किया है उसकी लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श ना दिखे हमारे फेस पर। अगर आप ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपने फिंगर से भी सही कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें अप्लाई करना है हाइलाइटर। सो हाइलाइटर मैं पूरी नोज पर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से, क्योंकि मेरी नोज पर मुझे इस तरीके का कंटूर पसंद है, सो मैं ऐसे कर लेती हूँ। और ये वाला जो पार्ट है ना, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेती हूँ। या एंड इसके बाद हमको एक फैन ब्रश लेना है। फैन ब्रश की हेल्प से हमें थोड़ा सा स्माइल करना है। उसके बाद, क्योंकि स्माइल करने से हाइलाइटेड पार्ट है ना वो थोड़ा सा अप हो जाता है, सो फेस मेकअप डन। अगर आप चाहो तो अपने ब्राउज के ऊपर ना हाइलाइटर लगा सकते हो, जिससे जब भी हमारी फेस पर लाइट पड़ती है सो जहाँ जहाँ भी हमने हाइलाइटर लगाया हुआ है वो पार्ट बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं, लाइट में वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। सो इसलिए हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। एंड अब बारी है लिपस्टिक की, उसके बाद हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सीरियसली। बट आई मेकअप की मैं क्या ही बात करूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। लिपस्टिक का मैं यूज़ कर रही हूँ 18 कलर पॉप मैट लिपस्टिक, शेड है इसका R34 रेड कलर में ही है, क्योंकि हमने सारा मेकअप भैया रेड किया है तो इसको क्यों छोड़े हम, ये भी रेड ही करें। और लिप लाइनर मैं जो यूज़ करी वो है मिस क्लियर का, जो कि है शाइन रोज L49। इसके बाद ना पहले लगा लेते उसके बाद बात करती हूँ। सो इससे ना प्रॉपर शेप बन जाता है हमारे लिप्स का।
तो मैं जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ सबसे पहले मैं इसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है लिपस्टिक को अप्लाई करना। एंड अब मैं लगा लूँगी लिपस्टिक एंड उसके बाद कंप्लीट है हमारा न्यू ईयर मेकअप लुक। फिर पार्टी लुक के लिए मैं जो क्रिएट करना चाहती थी, मतलब यार काफ़ी सही लग रहा है। मतलब आई मेकअप तो मैं क्या ही बात करूँ, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई मेकअप एंड बाकी ऑल, मतलब बाकी सारा भी, बट अगर आप आई मेकअप कर लेते हैं ना, सो लिटरली मतलब लगने लगता है कि सीरियसली हम पार्टी में ही जा रहे हैं ना। सो इस टाइप का ही मुझे कुछ फील आ रहा है इस टाइम। मैंने तो कर लिया अपना न्यू ईयर पार्टी लुक कंप्लीट एंड मैं बिल्कुल रेडी हूँ भाई पार्टी में जाने के लिए। आप हो या नहीं एंड आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप भी ऐसा लुक क्रिएट करते हो सो आप मुझे इज़मीनेंस पर टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो कि इज़मीनेंस जो है वो मेरा इंस्टा हैंडल है, सो आप मुझे वहाँ टैग कर सकते। बट सीरियसली मुझे बहुत प्यारा लग रहा अपना ये लुक। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। इफ यू आर सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।